अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का इस्तकबाल। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक शख्स ऐसा भी आया कि उसको ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी लगी। यानी गर्मी के मौसम में उस शख्स ने गर्म कपड़े पहने और सर्दी के मौसम में ठंडे कपड़े पहने, सर्दी के मौसम में ठंडे कपड़े पहने। गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगती और सर्दी के मौसम में ठंड नहीं लगती। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हाँ, ऐसा भी शख्स दुनिया में पैदा हुआ है और उसी शख्स को, उसी ज़ात को पूरी दुनिया मौलाए कायनात मौला अली करमुल्ला वजुल करीम के नाम से याद करती है। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी आंखें दुख रही थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला, मेरी आंखों में लगाया और आंखों में लगाते वक्त सरकार ने दुआ दी थी कि ए अल्लाह, सर्दी और गर्मी को अली से दूर कर दे। हज़रत अली फरमाते हैं उसके बाद से कभी भी न मुझे गर्मी लगी न मुझे सर्दी लगी। ये दुआए मुस्तफ़ा का असर है। आला हजरत ने उसी को तो कहा, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो हज़रत अली वो ज़ात है कि ना उन्हें गर्मी लगती थी न सर्दी लगती थी। वजह क्या है कि मुस्तफ़ा ने उनके लिए दुआ फरमा दी थी। तो मुस्तफ़ा जिसके लिए दुआ फरमा दे और जो दुआ फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को उसके हक में कबूल फरमा लेता है। तो ये ज़ात हज़रत अली की है। हमारे माँ बाप कुर्बान हज़रत अली के कदमों पर, अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मौला कायनात मौला अली की पक्की सच्ची मोहब्बत, तमाम अहले बैत की पक्की सच्ची मोहब्बत अदा करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग़।